वेलकम टू माय चैनल बीबीपी हेल्प। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं यानी मासिक परीक्षा 2024 का हिस्ट्री का एक पेपर लेकर आया हूं जो कि क्वेश्चन पेपर है। देखिए अगर आप 30 मई को एग्जाम देने वाले हैं तो आप इस वीडियो को कंप्लीट यानी शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिएगा, क्योंकि यहां पर मैं आप लोग के लिए क्वेश्चन पेपर का आंसर की सीधे लेकर के आ चुका हूं। देखिए आप लोग को शुरू से लेकर आखिर तक देखना है, एक एक क्वेश्चन को देखना है, ठीक है, जो आपके पेपर जो सीधे सीधे यहीं से आने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो मैं आप लोग को बता दूं कि बिहार के हर एक कॉलेज में लगभग यही पेपर आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपके पेपर अगर अलग हो जाए तो वो अलग सी बात है, लेकिन मैं आपको 100% बता रहा हूं कि ज्यादातर कॉलेज में जो पूरे बिहार में एक ही पेपर जो बनाया गया है और आपका यही पेपर आने वाला है। तो 30 मई की तैयारी सिर्फ इसी वीडियो में, और आपको सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आपको मैं दिखा दूंगा कि क्या क्या पूछा गया है आप लोग के पेपर में। तो चले बिना टाइम को गवाते हुए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। यहां पर देखेंगे सबसे पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, कह रहा है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, तो यहां पर राइट आंसर क्या सिंधी भाषा का शब्द है, ठीक है, करेक्ट आंसर क्या बी नंबर। अब यहां पर देखेंगे अगला क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहां उत्खनन करवाया, तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा बी नंबर राइट होगा, यानी क्या होगा हड़प्पा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी, राय बहादुर दयाराम साहनी। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, यहां पर तीसरा नंबर कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता, तो ये आप लोगों को तो पता ही होगा, तो इसका करेक्ट आंसर डी नंबर यानी कासंग युग की सभ्यता है, ठीक है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, यहां पर कह रहा है कि सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो यहां पर लोहा का ज्ञान नहीं था, ठीक है, तो राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, बिल्कुल ये आप लोगों को 100% ये अच्छे तरीके से बस रट लेना है और यही आपको जो आपको भी देने वाला है। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर, तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा मोहनजोदड़ो, करेक्ट आंसर क्या होगा ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या बोला जा रहा है, फटाफट से आप लोगों को देखना है, ठीक है। चलिए अब यहां देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। ये दोनों क्वेश्चन पूछा है, अक्सर ये दोनों क्वेश्चन में आप लोग को मतलब जो है कंफ्यूजन होता है। अब यहां देखिए अगला क्वेश्चन देखिए आठ नंबर, यानी क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि अशोक के किस अभी शिलालेख से कलिंग विजय का पता चलता है, तो 13वें राइट आंसर क्या होगा तो डी नंबर, ठीक है। चलिए अब यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि समुद्रगुप्त का वर्णन किस अभिलेख में है, तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा यानी प्रयाग परिस्थिति में है, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है, इंडिका की रचना किसने की, तो मेघस्थनी ने की थी, करेक्ट आंसर बी नंबर, ठीक है। चलिए अब यहां पर देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि यानी बिंदुसार किसका पुत्र था, तो यहां पर चंद्रगुप्त मौर्य का, तो बिंदुसार जो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, ठीक है। चलिए अब यहां देखें अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश को पराजित कर गद्दी हासिल की थी, तो नंद वंश की, ठीक है, राइट आंसर क्या होगा ए नंबर। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला, अंगुत्तर निकाय किस धर्म से संबंधित है, तो अंगुत्तर निकाय जो है वो क्या है बौद्ध धर्म का जो है, राइट आंसर क्या होगा ए नंबर करेक्ट होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, मगध की राजधानी कहां थी, तो मगध की राजधानी जो थी वो कहां थी, वो राजगृह थी, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि नालंदा महावीर किसने, सॉरी महाविहार किसने बनाया, तो नालंदा महाविहार जो बनाया था वो किसने बनाया था, तो कुमारगुप्त ने बनाया था, तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा तो सी नंबर, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि अर्थशास्त्र के लेखक, तो कैटिले करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई, तो संस्कृत भाषा में हुई, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, यानी संलेखन किस धर्म का मृत्यु विधान है, संलेखन, ठीक है, तो संलेखन जो है ये किस यानी धर्म का मृत्यु विधान है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यानी क्या होगा बौद्ध धर्म है। तो इसमें थोड़ा सा ना कंफ्यूजन है, आप लोग थोड़ा सा इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोगों ने पिन कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा ना मुझे कंफ्यूजन लगा था, ठीक है, जब क्वेश्चन में पेपर में देखा था, ठीक है। अब देखें अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, अगर ये क्वेश्चन क्या है 18 नंबर के बारे में मैं पिन कर दूंगा अच्छे तरीके से, ठीक है। अब यहां अगला क्वेश्चन देखिए, अशोक द्वारा बनाए गए अस्तूपों की संख्या, तो 84,000 लगभग, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि यानी बुद्ध के बचपन का क्या नाम था, तो यहाँ पर राइट आंसर सिद्धार्थ, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि प्रथम बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई थी, तो प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी वो आजाद शत्रु के काल में, क्या हुआ था, आजाद शत्रु के काल में प्रथम बौद्ध संगीति, ठीक है। चलिए फटाफट से
हीनयान एवं महायान किस धर्म से संबंधित है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर नहीं बौद्ध धर्म से हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो महावीर का जन्म जो हुआ था वो हुआ था यानी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जल्दी से आप लोग को भी जाओ, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कुंडल ग्राम वैशाली नामक स्थान में हुआ था। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, देखते हैं क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि त्रिपिटक संबंध जो है यानी किससे संबंधित है, तो यहाँ पर राइट आंसर बौद्ध धर्म से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए अकबर का शासन काल जो है 1556 से 1605 तक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, दस्तूर क्या था, दस्तूर जो एक क्या था आप जल्दी से बता सकते हैं, तो इसका सैन्य कर था। ठीक है, यानी दस्तूर एक क्या था, सैन्य कर था। ठीक है, ये कृषि कर भूमि कर नहीं था। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, तो इसका करेक्ट आंसर सैन्य कर नहीं होगा यानी ये भी भूमि ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दस्तूर क्या था, यानी भूमि यानी जिला जो छोटा छोटा जिला था इसको जो मिला करके मतलब रखा गया था इसको दस्तूर बोला जाता था। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या बोला जा रहा है, फटाफट से आप लोग को देखना है और जवाब भी देने। यहाँ पर देखिए जी क्वेश्चन नंबर देखिए क्या करे, करे कि संत सब किस धातु से यानी बना सिक्का था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या जल्दी से आप लोग को बताने हैं। ठीक है, तो संसद जो बना हुआ था किस धातु का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यानी सोना का बना होता था। ठीक है, गोल्ड का बना होता था। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, देखिए क्या बोला जा रहा है, भारत का यानी भारत में तंबाकू का पौधा लगाया था, तो पुर्तगालियों ने लगाया था, करेक्ट आंसर क्या होगा, तो श्री नंबर। ठीक है, अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्या बोला, कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया था, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने आरंभ किया था। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कि तुजू के जहांगीर की रचना किसने की थी, तो यहाँ पर 30 नंबर का करेक्ट आंसर, तुजू के जहांगीर की रचना, तो यहाँ पर क्या होगा, जहांगीर ने की थी। ठीक है।